दोस्तों जब जब नदीम शरबन का नाम हमारे जहन में आता है ना तो हम कुछ समय के लिए वो 90 के दशक में लौट जाते हैं जब हमको मेलोडियस से भरे गाने सुनने को मिलते थे जिससे दोस्तों सुनकर हम कहीं ना कहीं बड़े हुए हैं तो आज हम आपकी वही पुरानी भूली बिसरी यादें एक बार फिर से करने वाले हैं ताजा और करेंगे नदीम शरबन के संगीत से सराबोर एक बहुत ही प्यारी ऑडियो कैसेट जो कि आपके कलेक्शन में उस ज़माने में रही होगी फिल्म का नाम है आंदोलन जी हाँ दोस्तों आंदोलन दिल तो खोया है यही कहीं पर इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे पूरे ही गाने सुपर हिट थे तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं आंदोलन फिल्म का म्यूजिक रिव्यू तो हमारे पास दोस्तों आंदोलन फिल्म की तीन ऑडियो कैसेट है आप जानते हैं ये फिल्म उन्नीस में थिएटर में आई थी और ऑडियो कैसेट आई थी टिप्स के बैनर तले तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको आंदोलन फिल्म की एकदम ओरिजिनल म्यूजिक सेंटर वाली मास्टर कैसेट जिससे मैं कैसेट रिकॉर्डिंग किया करता था और इसके कुछ गाने दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त थे अक्सर लोग अपने जो ऑडियो कैसेट भरवाने आते थे ना ब्लैंक कैसेट में वो अपने पर्चों में लाते थे आपको मैंने पर्चे भी दिखाए हैं कई वीडियो में किस प्रकार के पर्चे होते थे जो कि हम म्यूजिक सेंटर वालों के पास आते थे आप लोग लिख के लाते थे पोस्टर देख सकते हैं आप संजय दत्त और गोविंदा इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे फिल्म जबरदस्त थी फिल्म से जबरदस्त और सुपर हिट इसके गाने थे उसका कारण क्या है उसका कारण ये है आप पढ़ सकते हैं म्यूजिक नदी

जब ये दूरदर्शन पर आता था ना दोस्तों मज़ा आता था और उस जमाने का पारलेजी है ना दोस्तों मुझे अभी भी याद है उसकी खुशबू अभी भी मेरे जहन में बसी हुई है और यदि आपके भी जहन में पारले जी की खुशबू हो इस इस ज़माने की पारलेजी की बात नहीं कर रहा दोस्तों मैं नाइन्टीज़ के पारलेजी की बात कर रहा हूँ जब आप छोटे थे मैं भी छोटा था जब हम परचून की दुकान पर वो कागज़ की पैकिंग वाला जी लाते थे दोस्तों वाकई में उसकी खुशबू दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त थी और इतनी प्यारी खुशबू थी कि अभी भी हमारे जहन में और दिलों में बसी हुई है यदि आपने भी उस ज़माने का पारलेजी खाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उस ज़माने के पारलेजी में और अभी जो आप पारलेजी खाते हैं उसमें कितना अंतर है दोस्तों मेरे हिसाब से तो ज़मीन आसमान का अंतर है फिर भी आप बताना यदि आपको ये पोस्टर देखकर वो बचपन याद आ गया हो तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपकी बचपन की पुरानी भूली बिशरी याद है पोस्टर देख सकते हैं आप इधर देखने पर टिप्स का लोगो यहाँ पर लिखा है आंदोलन बैक साइड में दोस्तों चार और तीन सात गाने इस ऑडियो कैसेट में दिए हुए हैं सातों गाने बहुत ज़बरदस्त हैं और कौन कौन से गाने म्यूजिक सेंटर पर सबसे ज़्यादा भरे जाते थे थोड़ी देर बाद आपको वो भी बताऊंगा और सभी गानों की झलकियां सुनाऊंगा इसी ऑडियो कैसेट से जिससे आपको वो ऑडियो कैसेट वाला जमाना कुछ समय के लिए याद जरूर आ जाएगा पैकिंग की बात करें तो छः उन्नीस की पैकिंग है फाइनली ये है मास्टर कैसेट चलिए मास्टर कैसेट आपको दिखाते हैं ये रही आंदोलन फिल्म की एकदम ओरिजिनल मास्टर कैसेट ये साइड भी है यहाँ पर लिखा है आंदोलन प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जानकारी और म्यूजिक नदीम शर्मा लिरिक समीर आप पढ़ सकते हैं और टिप्स का लोगो ये साइड है यहाँ पर भी सारी जानकारी आंदोलन लिखा हुआ है इसकी रील बहुत अच्छी है अभी थोड़ी देर बाद इसी कैसेट प्लेयर से आपको इसी फिल्म के गाने सुनाऊँगा चलिए पोस्टर देख लेते हैं यदि हम पोस्टर देखें तो कुछ इस प्रकार का पोस्टर है आंदोलन फिल्म का आप देख सकते हैं और सच सच बता रहा दोस्तों पोस्टर देखने का एक मज़ा ही कुछ और होता है उस जमाने की ऑडियो कैसेट में बड़े ही प्यारे प्यारे पोस्टर आते थे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आंदोलन टिप्स का लोगो और इस ऑडियो कैसेट में नाजायज फिल्म का हमको देखने को मिलेगा म्यूजिकल ट्रेलर म्यूजिकल ट्रेलर क्या होते थे दोस्तों जो ऑडियो कैसेट होती ना उनमें लास्ट में फिल्मों के एड ब्रेक आते थे जिनको हम म्यूजिकल ट्रेलर कहा करते थे तो इस ऑडियो कैसेट में नाजायज फिल्म का हमको म्यूजिकल ट्रेलर देखने को मिलेगा और यदि आपको ये म्यूजिकल ट्रेलर देखना है तो मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर दिया है लगभग दोस्तों 500 से ज़्यादा म्यूजिकल ट्रेलर मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं आप चाहे तो सभी म्यूजिकल ट्रेलर एक साथ भी देख सकते हैं और इस ऑडियो कैसेट का रिव्यू भी मैं आगे करने वाला हूँ तो आप वेट कर सकते हैं इस ऑडियो कैसेट के यदि आपको गाने पसंद हैं बस ये अच्छे गाने थे इसकी आपको पता होगा ये पोस्टर रहा यहाँ पर गाने लिखे हुए हैं पाले जी का एड भी दिखा दिया चलिए बैक साइड देख लेते हैं यदि हम बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर लिखा है साजिद नाडिया वाला आंदोलन टिप्स का लोगो और निर्माता अजीज सजावल जी हाँ अजीज सजावल संगीत नदीम शिरवन का है सभी गीत हैं समीर साहब ने लिखे हैं तो चलिए जब नदीम शिरवन का संगीत आ ही गया है और समीर साहब के गीत आ ही गए हैं तो क्यों ना ऑडियो कैसेट से गानों की झलकियां सुन ली जाएँ तो चलिए सुनते हैं साइडे का पहला गाना बहुत ही ज़बरदस्त गाना है गाने के बोल हैं नजर में तू जिगर में तू ये गाना उस ज़माने में ऑडियो कैसेट में बहुत ज़्यादा सुना जाता था और मैं जब कैसेट रिकॉर्डिंग करता था तो ब्लैंक कैसेट में अक्सर इस गाने की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी और इस गाने को गाया है कुमार सानू एवं सपना मुखर्जी ने ए तो। का दूसरा गाना है दिल तो खोया है यही कहीं पे तू जरा बता ये गाना भी दोस्तों बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग में आता था और लगभग मैं भी भरता था और गाने को गाया है कुमार सानू एवं अलका याग्निक ने दिल तो साइडे का तीसरा गाना है मुझे तो होने लगा है प्यार इस गाने को गाया है कुमार सानू उदित नारायण एवं अलका याग्निक ने मुझे तो होने लगा है प्यार मेरे मेरे यार, यार। साइडे का चौथा गाना है दिल हमने दिया है इस गाने को गाया है अलका याग्निक एवं कुमार सानू ने दिल हमने दिया है चलिए दोस्तों साइड बी की बात कर लेते हैं तो साइड बी में पहला गाना जो आ रहा है ना उस जमाने के जो म्यूजिक सेंटर वाले थे अक्सर वो ब्लैंक कैसेट में ये गाना डाला करते थे क्योंकि हर पर्चों में लगभग 90 परसेंट ये गाना आता था गाना दिल को छू लेने वाला है गाने के बोल हैं आएगी हर पल तुझे मेरी याद इस मुलाकात के बाद इस गाने को गाया है अलका याग्निक एवं कुमार सानू ने भी का दूसरा गाना दोस्तों बहुत जबरदस्त है उस जमाने के प्यार करने वाले इस गाने को डेडिकेट जरूर किया करते थे और कैसेट में ये गाना भी दोस्तों धूम मचाता था मतलब डिमांड रहती थी गाने के बोल हैं कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम इतने दिन तुम कहाँ रहे और गाने को गाया है अलका याग्निक एवं कुमार सानू ने साइड भी का तीसरा गाना है मजा कर ले मेरी जान इस गाने को गाया है बाली ब्रह्म एवं सुदेश भोंसले ने तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आंदोलन फ़िल्म के आपको कितने गाने सबसे ज़्यादा पसंद आए उस ज़माने में आप कौन सा गाना सबसे ज़्यादा सुनते थे यदि आपको पसंद आया है तो ज़रूर बताना और कोई यादें जुड़ी हुई हैं तो वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं इस ऑडियो कैसेट से बहुत से दर्शकों की मुझे पता है यादें जुड़ी हुई होंगी उसका कारण है संगीत और संगीत है नदीम शिरवन का पोस्टर देख लिया आपने ओरिजिनल मास्टर कैसेट भी आपको दिखा दी चलिए अब देख लेते हैं हम दूसरे नंबर की कैसेट दूसरे नंबर की कैसेट हमारे पास सेम आंदोलन फिल्म की है पोस्टर थोड़ा सा अलग है देख सकते हैं टिप्स का लोगो है इसमें भी दोस्तों पार लेजी का एड है सारी जानकारी नदीम शिरवन का नाम लिखा हुआ है इधर टिप्स का लोगो आंदोलन लिखा हुआ है वही चार और तीन सात गाने आप देख सकते हैं और पैकिंग की बात करें तो आठ दो हज़ार एक की पैकिंग है फाइनली ये रेगुलर कैसेट है और नाइन्टी परसेंट दर्शकों के पास यही कैसेट रहा करती थी उस ज़माने में देख सकते हैं ये साइड बी है और ये साइड ए है टिप्स का लोगो कैसेट नहीं है पोस्टर की बात करें तो इस पोस्टर में नाजायज फिल्म का म्यूजिकल ट्रेलर नहीं दिया हुआ है जो कि मास्टर कैसेट में था गाने सेम लिखे हुए हैं जैसा कि आप पढ़ सकते हैं चलिए आप देख लेते हैं तीसरे नंबर की कैसेट और तीसरे नंबर की कैसेट जो हमारे पास है ना वो भी दोस्तों आंदोलन फिल्म की है सेम कैसेट है यहाँ पर भी पोस्टर देख सकते हैं सेम पोस्टर है इसके जैसा इसके जैसा पोस्टर नहीं है ये मास्टर का पोस्टर है पार्ले जी का एड देख सकते हैं यहाँ पर टिप्स का लोगो आंदोलन लिखा हुआ है सात गाने लिखे हुए हैं पैकिंग की बात करें तो नौ दो हज़ार एक की पैकिंग है फाइनली ये भी रेगुलर कैसेट है देख सकते हैं वाइट कलर वाली टिप्स की रेगुलर कैसेट अब मुझे आप बताना कि आपके पास आंदोलन फ़िल्म की कौन सी कैसेट थी क्या बाइट वाली थी या ये वाली थी या फिर मास्टर कैसेट थी आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा तो दोस्तों अभी हमने नदीम शिवन के संगीत से सराबोर आंदोलन फ़िल्म के कैसेट देखा साथ में गानों की झलकियाँ सुनाई और साथ में दोस्तों कुछ पुरानी यादें भी आपकी ताज़ा की वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना अपने दोस्तों को शेयर करना और यदि आप भी ऑडियो कैसेट के दीवाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबा लेना चलिए फिर मिलते हैं कल शाम के सात बजे उन्नीस सौ पंचानवे में आई किसी अगली ऑडियो कैसेट के रिव्यू के साथ जब तक के लिए आप खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए बहुत बहुत धन्यवाद